छात्र छात्र हूँ। मैं श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज पूर्वा गौरिया गद्दोपुर जौनपुर में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय संस्कृत के पाठ्यक्रमों के विषय में इस प्रकार से विवरण बता रहा हूँ। संस्कृत गद्य भारती में 2 खंड, जिसमें पहला है गद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद जो 7 अंक आता है, फिर दूसरा है का पाठों का सारांश हिंदी में लिखना होता है वो 4 अंक का होता है, फिर इसके बाद दूसरी किताब आपकी है संस्कृत पद पीयूषम, इसमें पद्यों में से किसी एक पद की संदर्भ सहित व्याख्या 7 नंबर की, फिर उसी किताब से चुटकियों की संदर्भ सहित व्याख्या हिंदी में करने के लिए 1 अंक, धन 1 पर अर्थात 2 अंक, किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखने के लिए 5 अंक, फिर तीसरी किताब है कथानाटक कौमुदी, इसमें पात्रों का चरित्रण 4 अंक का, और उसी पुस्तक से लघु उत्तरी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में जो दिया जाता है वो है 4 अंक का, फिर इसके बाद आपका व्याकरण पोर्शन आता है। संस्कृत व्याकरण में पहला है प्रत्याहारों का सामान्य परिचय 2 अंक का, खंड ख है वर्णों का उच्चारण स्थान 2 अंक, फिर सन प्रकरण में आइए, सन प्रकरण 2 अंक, शब्द रूप 2 अंक, धातु 2 अंक, समास प्रकरण 2। इसके बाद छठा है विभक्ति परिचय 2 अंक, सातवां है प्रत्यय परिचय 2 अंक, वाच परिवर्तन 8वां है 2 अंक, फिर इसके बाद हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए जो दिया जाता है वह 6 अंक का, छठा है संस्कृत निबंध जो 8 अंक का पूछा जाता है, फिर इसके बाद संस्कृत शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग 4 अंक का। इस प्रकार से पाठ्यक्रमों का विवरण रहा। तो ऑनलाइन क्लास में आप सभी को हार्दिक